तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा। अम्मा यू आर फ्रीकिंग मी आउट नाउ। मैं शाम में आ रही थी ना, आपने इतनी जल्दी क्यों बुला ली? निशा, दिस इज गेटिंग कंप्लीटली आउट ऑफ हैंड। दिस इज गेटिंग वेरी डेंजरस अनीसा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अम्मा, आई कैन नॉट चिकन आउट नाउ। मैं हिम्मत नहीं हार सकती अब। एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड और सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है और सारे क्लूज हमारी फैमिली की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। कौन से क्लूज? देखे, मारिया खाले पे जवाद ने अटैक किया। जवाद किसके लिए काम करता था? अब्बा के लिए। और मुझे भी रिसेंटली पता लगा कि वो लालपुर वाले थाने में पोस्टेड था, उसी जुरिसडिक्शन में जिसमें मामा का एक्सीडेंट हुआ था। और ये दूसरा अटैक? वी डोंट नो। हमें नहीं पता वो किसने किया, लेकिन जिस बंदे ने रामिस पे गोली चलाई वो जवाद के पीछे था। उफ अम्मा, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं सच के इतने करीब हूं कि मैं पीछे नहीं हट सकती। रामिस पे गोली, मारिया पे अटैक, अगर तुम इस मामले के पीछे पड़ी रही ना अनीसा, तो दिस कैन, आई कांट इवन से इट, बट यू, बट इट्स ठीक। अम्मा देखिए, अगर इस सबके पीछे हमारी फैमिली में से किसी का हाथ है तो फिर तो मैं कहीं भी सेफ नहीं हूं ना। आज जल्दी आ गए ऑफिस से? आज गया नहीं था। तबीयत तो ठीक है? मारिया से मिलने गया था। उसके पास क्यों गए थे? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं इन सब के पीछे कौन है। पता चला कुछ? मैं और आप तो सब जानते हैं मां, किसने क्या किया, कैसे हुआ, कब हुआ। आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ये बहनें किस किस्म की जादूगरनियां हैं, कौन से मंतक पढ़कर तुम फूकती हैं कि तुम भटक जाते हो। पहले जब जवाद ने उस पर अटैक किया तो मैंने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि शायद जवाद का अपना कोई मकसद हो, लेकिन जिस आदमी ने हॉस्पिटल में मारिया पर अटेम्प्ट की है, ये वही शख्स है जिसने जवाद के चक्कर में रामिस पर गोली चलाई थी, फायर किया था। एंड जवाद वाज कन्विंस्ड कि अटैक आपने कराया था। इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए तब तक इल्जाम इल्जाम ही रहता है। यू राइट, लेकिन याद है ना आपको कि मारिया एक आर्टिस्ट भी है और उसने उस अटैकर का स्केच बना लिया है। And I'm convinced that we'll be able to find that guy with the help of the sketch. मैं जानता हूं आप जो कुछ भी करती हैं मेरी भलाई के लिए करती हैं, लेकिन अब अनीसा, रामिस और मारिया मेरी प्रोटेक्शन में है, और अगर इनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो मैं किसी रिश्ते की परवाह नहीं करूंगा। जैसा बहुत दिन लग गए आपको आने। हाँ,
लेकिन गोपाल मेरे को बता रहा था कि मेरा कृष्णा जो है ये साई बन गया है। बस आपकी दुआएं। अरे अल्लाह अल्लाह साई और तरक्की देगा, बहुत तरक्की देगा। शुक्रिया। ये तुम्हारी राखी बहन ने काफी केक भेजा है हैदराबाद से तुम्हारे लिए। शुक्रिया शुक्रिया। अब कैसी आलिया बाजी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, मजे में है। अपने तीनों बच्चों को पाल रही है। धोखा तो मुझे पता है, तीसरा कब हुआ? अरे उसका जो खावंद है वो भी तो बच्चा ही है उसके लिए। वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना? सही। ये एक मिनट, मैं जरा अपनी डायरी अपना पेन निकाल लूं, जरा लिख लूं इसमें। ये वही बंदा है जिसने मारिया डिसूजा पर हमले की इत्तला दी थी। ठीक हो गया, मेरा काम हो गया। ये रही आपकी अमानत, बहुत मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी। अब चाचा ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए थी? आपके थाने के हदूद का भी नहीं है ये केस। मेरा एक पुराना संगति है, उसको एक अपने पुराने केस के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ गई, सो उसकी मदद कर रहा हूँ मैं। सही, इजाजत है मेरे को है? शुक्रिया शुक्रिया चाचा, आप आलिया बाजी को शुक्रिया कहिएगा केक के लिए। हाँ जरूर, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। कौन है? कौन है? सीरियसली नॉट फेयर यार मारिया खाला, आप मुझे कह रही थी आप कल डिस्चार्ज हो रही हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? शुक्र करो छुट्टी मिल गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, माँ घूम गया था। यू कुड हैव कॉल्ड मी। क्यों? तुम्हारे अब्बा आए थे मुझसे मिलने। व्हाई? आई डोंट नो। एक्सप्लेन कर रहा था कि मुझ पर हुए हुए अटैक से उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मेरे ख्याल जिस बंदे ने आप पे अटैक किया था मैं उसे जानती हूँ। कैसे? जवाब, अब्बा के लिए काम करता था। आयुष, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं खुद पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि यह अटैक आप पे किसने करवाया है, या फिर उसने सब कुछ अपनी मर्जी से किया। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। मैं
वो आदमी जवाब वो अपनी मर्जी से नहीं आया था। आई डोंट थिंक वो मुझे मारना चाहता था। मैं बेहोश थी तो वो मुझे बहुत आसानी से मार सकता था, बट ही डिडंट। ही वो अपनी मर्जी से नहीं आया था, मजबूर था वो। वी नीड टू गो टू द पुलिस, लेट्स गो। अरे खाला, पुलिस अंदाजों पे तो नहीं चलती ना। हमारे पास कोई सबूत नहीं है अभी, और एक पुलिस वाला हमारी मदद कर रहा है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कोई भी एक्शन लेने से पहले। आई फील सो स्टुपिड। बट अनीसा, यू नो व्हाट, मुझे जेन्युइनली लगता है कि जलाल को हॉस्पिटल में होने वाली अटेम्प्ट के बारे में नहीं पता था, क्योंकि जब उसे बताया मैंने तो वो सरप्राइज लगा मुझे। और मे बी दैट्स व्हाट आई थिंक, और आई डोंट नो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है सब कुछ। देखिए, वही आदमी जवाब को मारने गया था, लेकिन रामिस बीच में आ गया, एंड देन ही केम फॉर यू। For me, I mean, क्यों? अच्छा, जो तुम कह रही हो इसका तो ये मतलब है कि जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की या जिसने जवाब को मरवा ही दिया, ये एक आदमी है। और अगर एक आदमी है तो उसको हम दोनों से क्या मसला था? लाइक, मतलब मैं तो जवाब को जानती भी नहीं थी, सो व्हाट्स कॉमन बिटवीन मी एंड जवाब? मैं, आप दोनों मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे मामा के बारे में, क्या घर तो आप लोग ऐसे आते हैं जैसे पत्थर तोड़ के आ रहे हो, यहाँ तो पार्टी हो रही है। फिक्र मत करो, अब तुम आ गई हो, पार्टी खत्म। क्या मतलब? अब मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम आ गई हो तो अब हमारी सारी अटेंशन तुम्हारी तरफ है। बोलो, कैसे आना हुआ? वो बस ऐसे यहां से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलती जाऊं। मैंने आपको कभी यहां से गुजरते नहीं देखा, आप जब भी आए ना किसी काम से आए। ठीक है, चली जाती हूँ। अगर आप लोग मेरे यहाँ आने से इतने नाखुश हैं तो नहीं आऊंगी। थैंक यू। अब ठंडे दिमाग से बताओ क्या कहने आई हो। वो मुझे कड़े खरीदने हैं, ज्वेलर के पास जाना है, मैंने सोचा आपके साथ जाऊं। तुम्हारे पास इतने सारे तो हैं? अपने लिए नहीं चाहिए। तो फिर किसके लिए चाहिए? वो हेबा और फरत आ रहे ना आज। कड़े आप हेबा को देना चाहती? हाँ, कजन है तुम्हारी, बचपन से इतनी दोस्ती रही है तुम्हारी उसके साथ। ठीक है, आपको जो करना है आप करें।
कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो रहीना। पढ़ी लिखी लड़की है, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मैं उनके बारे में सारी खबर रखती हूं। मैं दुश्मन नहीं हूं, एक ही बेटा है मेरा। आप लोग बाद में मेरे शुक्रगुजार होंगे। हेलो हेलो, अनीसा बीबी बात कर रही? जी कौन? मैं ताहिरा हूँ, जवाद की बीवी। जी बोलिए। वो आपसे मिलना था। ओके, किस सिलसिले में? एक जरूरी काम है। ठीक है, कुछ दिनों में देखते। जवाद आपके नाम पर कुछ कागज छोड़कर गया है। कौन से कागज? ये तो मुझे नहीं पता, बस अलमारी खोली तो उसमें लिफाफे पर आपका नाम लिखा था। आप कहती हैं तो खोल देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप वैसे रहने दीजिए, मैं आ रही हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। नदीम रियाज की दुकान यही है? हाँ मैं हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना है। लड़का खड़ा है, जो चाहिए इसको बता दीजिए। मेरे को आपसे काम है। मैंने कहा ना कि लड़का खड़ा है, इसको बता दीजिए, ख्याल रखेगा। आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी, मैंने कहा मेरे को आपसे काम है। बोलिए। 10 दिन पहले आपने पुलिस को वो कई बार दात से फोन किया था। मेरा मतलब यह है कि वहां पे खातून पर हमला हुआ था, उसी जगह से फोन किया था आपने, उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़े होके। जी किया था। अरे आयशा, आपकी फेडरल एरिया की दुकान आपकी तारक रोड पर, उस वक्त क्लिफ्टन में क्या कर रहे थे आप? दोस्त से मिलने गया था रात को बीच रोड पे। वो उधर रहता है, वापसी में सिगरेट पीने के लिए मैंने बाइक रोकी थी वहां। वैसे बहुत खुशकिस्मत है वो कि आप आईन उस जगह पे, बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद थे। अच्छा एक बात और बताए, आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए थे तो आपको कैसे पता चला ऊपर तीसरी मंजिल पे वारदात हो रही है? खातून के चिल्लाने की आवाज से। मैं पुलिस को सब कुछ बता चुका हूँ चांडियो साहब, कांस्टेबल इरफान ने मेरा पूरा बयान लिया था, उससे पूछ लीजिएगा, मुझे भी जाना। छोटे दुकान संभाल। लोग जवाद को बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन नेकी, उसूल और भलाई तो वो चीज़ें हैं जो सिर्फ अमीरों पर अच्छी लगती हैं। हम जैसे लोगों को बहुत हाथ पैर मारने पड़ते। जब से मेरी बेटी पैदा हुई तब से इसके इलाज में पानी की तरह पैसा खर्च हुआ। कुछ ना कुछ करके जवाद हमारे लिए सब पूरा करता रहा। उस दिन वहाँ क्यों गया, किसके कहने पर गया, मैं नहीं जानती। आप मेरा यकीन जाने, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जरूर किसी के बहकावे में आ गया होगा। ऐसा ही हुआ होगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। उसे आप लोगों से बहुत उम्मीद थी कि कोई इज्जतदार कारोबार शुरू कर लेगा, हमारे दिन बदल जाएंगे, मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा। मगर सब अरमान, सब ख्वाहिशें दिल में लेकर ही चला गया।
अकेला छोड़ गया आपे। I'm so sorry जी, बस क्या कर सकते हैं, ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है। जाते जाते भी वो हमारे लिए कुछ करना चाहता था, आपके लिए कुछ कागजात छोड़कर गया था। अम्मी गोटी। हाँ कौन सी है? चार। कौन से कागजात? उसने मुझे देते वक्त मना किया था कि मैं लिफाफा खोलकर ना देखूं। सही, कहाँ है वो, मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल, आपकी चीज है, आप ही देखेंगी। लेकिन मैंने कहा ना, जवाद मरते मरते हमारे लिए कुछ करना चाहता था। उसने कहा था कि वो कागजात आपके लिए बहुत कीमती हैं। और कीमती चीजें मुफ्त में नहीं मिलती। क्या कीमत बताई उसने आपको? 30 लाख। जो आप लोगों के लिए तो कुछ नहीं, मगर हमारे लिए बहुत है। उन पैसों से मैं गांव में एक छोटा सा घर बना लूंगी, उसमें दुकान खोल लूंगी, औरतों के कपड़े वगैरह सी लूंगी। देखिए, 30 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, ये ऐसे ही नहीं पड़े हुए मेरे पास, आप कुछ कम करने होंगे। आपको लग रहा होगा मैं बहुत लालची हूँ, लेकिन मेरा यकीन करें, इसमें से बहुत ज्यादा हिस्सा तो मेरी बेटी के इलाज पर ही लग जाएगा। मैंने सिर्फ उतना मांगा जितनी मेरी जरूरत है। मैं चाहती तो ज्यादा मांग सकती थी, मगर नहीं। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अरेंज करती हूँ। सुनिए, ज्यादा देर ना लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि काम जल्दी हो जाए। जी बेहतर। हेलो रामेश, आंटी फिरजील से बात होती है? थैंक यू। इतना कोई अननोइंग हो गया ना, वो पीटीए ज्वाइन करके याद है बचपन में नाक में अजीब कोई। I'm so sorry. So sorry. Anisa, wait. I'm sorry, I didn't know you're busy.
ओके, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। क्या हुआ, एवरीथिंग ओके? देखो तुम जानते हो अगर इमरजेंसी ना होती तो मैं यहाँ ना आती। राहिला आंटी बहुत अपसेट हुई होंगे। किसी को बुरा नहीं लगा तुम, व्हाट्स रॉन्ग? मैं तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, एंड दैट इज व्हाई वी ब्रोक अप। रामेश, ये सब क्या हो रहा है? अम्मी आप अंदर जाइए ना, मैं आता हूँ। हद होती है हर बात की, फरहत और हिबा अंदर बैठे में क्या सोचेंगी वो? प्लीज अंदर जाइए, मैं आ रहा हूँ। आई एम सॉरी आंटी। यहाँ नहीं आना चाहिए था यार। अनीसा, इट्स ओके, व्हाट डू यू वांट? क्या हुआ है? जवाद की बीवी की कॉल आई मुझे। जवाद मेरे लिए कुछ कागजात छोड़ के गया है और ये लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो उसका मुझे देना बाकी रह गया था। उसके बाद तो उसका मौका नहीं मिलना था। तो इसका मतलब है वो जो आखिरी पीस ऑफ एविडेंस है उसके पास वो तुम्हें दे रहा है? यस, और क्योंकि आखिरी बार है तो पैसे भी उसी हिसाब से मांग रहा है। मेरे पास 25 लाख रुपए थे तो मैंने उनका चेक लिख दिया है, जो 5 लाख रुपए चाहिए। अब्बा से इसलिए नहीं मांग सकती बिकॉज आई थिंक ही इज इन्वॉल्व्ड। अम्मा से नहीं मांग सकती बिकॉज वो नहीं चाहती मैं इस मामले में पढ़ूँ। सो आई एम आस्किंग यू, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वापस कर दूँगी। गाड़ी में बैठो, मैं आता। या, दे यू गो। थैंक यू, आई विल पे यू बैक। जरूरत नहीं है, फिर वापस ले लो। तुम पैसे वापस नहीं लोगे तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके ओके, रखो, वापस कर देना। इसने धोखा दे दिया तो चेक रोक दूंगी। यू कैन डू द सेम। कोई मसला हो, कोई किसी चीज की जरूरत हो, जिस कॉल में। शी इज वेरी प्रिटी। फरहत वाला की बेटी है ना? क्या नाम बताया था तुम्हारी अम्मी ने? हिब्बा, राइट? उन्होंने ही मुझे बताया कि काफी इंटेलिजेंट, पर्सनालिटी भी अच्छी है, एम्बिशियस है, लेकिन घर का ख्याल भी रख लेगी। बहुत दफा मेंशन किया तुम्हारी। शी वर्क्स इन दुबई, राइट? तो शादी के बाद वो यहाँ आ जाएगी या तुम वहाँ चले जाओगे? अनीसा, थैंक यू सो मच फॉर द चेक। ओके, मुझे अंदर जाऊँ? हाँ हाँ जाओ, आई नो यू हैव टू गो, बाय। भी वही है, मैं भी वही हूँ, दोनों ही, लेकिन कहीं अब नहीं। आप बैठे? नहीं, थैंक यू। आप प्लीज मुझे वो कागजात ला दीजिए, मैं चेक ले आई हूँ। हाँ, मैं वही ढूंढ रही थी अभी। ढूंढ रही थी? क्या मतलब है ढूंढ रही थी? वो दरअसल मुझे मिल नहीं रहे। नहीं नहीं, नहीं क्या मतलब है मिल नहीं रहे? आप दोबारा ढूंढिए प्लीज। देखिए, मैंने हर तरफ देखा है मगर वो मुझे सच में नहीं मिल रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले मैं यहाँ आई थी तो आपके पास थे, इतनी सी देर में कहाँ जा सकते हैं? देखिए, मुझे उस वक्त यही लग रहा था कि वो यहीं पर है, मगर मैंने आपको बताया ना कि हम कुछ दिनों में गांव जाने वाले हैं, तो मैंने कल ही कुछ सामान भिजवाया, हो सकता है उसमें चले गए, मिल जाएंगे। और पैसे चाहिए तुम्हें, यही बात है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बता रही हूँ ना आपको, कहीं खो गए, मैं ढूंढती हूँ। आई डोंट बिलीव यू। मुझे वो कागजात चाहिए। अम्मी, क्या हुआ? हाँ बेटा,
कुछ नहीं मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरी सज्जो को भूख लगती है? अभी अभी खाना लेती। कितने सारे पैसे हैं? पचास लाख। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आपका आना ही काफी था। बच्ची बहुत बड़े सदमे से गुजरी है, मैंने सोचा जरा दिल बहल जाएगा उसका। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, मुझे तो आना ही था ताजियत के लिए आपके पास। जी बस क्या कर सकते हैं, हमारी तो कुछ ही दिनों में दुनिया ही जैसे बदल गई। अफसोस तो ये है कि बस अन करीब आपकी जिंदगी बेहतरी की तरफ मुड़ने वाली थी, ये हो गया। हमारी डील तो बस फाइनली होने वाली थी। जवाद आपसे डील करने वाला था? हाँ, क्योंकि वो जानता था कि जो कीमत हम देंगे ना वो हमारे कंपेटिटर्स नहीं दे सकते थे। और कौन नहीं चाहता कि काम वही और पैसे ज्यादा। बस जिंदगी ने वफा नहीं की उसके साथ। वो तो तब भी आप दोनों की बेहतरी और आरामदेह जिंदगी के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब भी मुमकिन है कि ये हो सके। कैसे? देखिए, जो डील हम जवाद के साथ करने जा रहे थे ना, वो हम आपके साथ कर सकते हैं। मगर मुझे तो उसके काम के बारे में कुछ नहीं पता। जवाद एक बहुत इंटेलिजेंट और दूरंदेश आदमी था, ये मुमकिन ही नहीं कि उसने अपनी बीवी के हाथ में अपनी बीमा पॉलिसी ना दी हो। रामेश, ये सब क्या था? रामेश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। क्या पूछ रही है? क्या था, क्या हो गया? अमजद, अनीसा कैसी है बेटा, सब ठीक तो है ना? ये पूछने वाली बात थी? वो यहां क्या कर रही थी? तुम्हें पता है कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे हिबा सैयद के सामने। उसको एक जरूरी काम था, वरना यहां कभी नहीं आती। उसे आज ही जरूरी काम पड़ना था। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो यहां क्यों आई थी। क्या समझती हैं आप, क्यों आई थी बताइए।
देखो रामेश, फरहत तुम्हें हिबा से मिलवाने के लिए इतने सालों के बाद इतनी दूर से आई थी। इतनी दूर से तो इस तरह कह रही हो जैसे वो शारजा से तैर कर आई हो। और मैं उससे कई बार मिल चुका हूं, आपको नहीं पता, कजन हमीद। वो तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए आई थी और उसे यहां देखकर वो बात भी आई गई हो गई। अब पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट, बहुत मौके मिलेंगे आपको। पता है क्यों? क्योंकि फरहत खाला उतनी डेस्परेट है उसकी शादी कराने के लिए जितनी कि आप मेरी। तुमने हिबा को गौर से देखा है? उसे तो बहुत आराम से और लड़के मिल जाएंगे। प्यारी है, इंटेलिजेंट है, तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी वो। लास्ट टाइम आई चेक्ड, शादी पसंद से होती है, मजबूर करके नहीं। तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा बेटा। हिबा को मजबूर किया जा रहा है। और फरहत खाला इतनी डेस्परेट क्यों इसकी शादी के लिए? क्यों उनकी जहीन बेटी को, खूबसूरत बेटी को मेरे अलावा कोई और नहीं मिलता? बताऊं क्यों? क्योंकि उसको कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। हिबा को शादी ही नहीं करनी। क्या कह रहे हो तुम, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती हमारी शादी करा सकती हैं, बट इट वोंट बी अ हैप्पी मैरिज। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है। रामेश बेटा, तू अपने कमर में जाओ। मैं बात कर रही हूं ना। जाओ बेटा। क्या किया आपने? भेज क्यों दिया उसे? बात कर रही थी ना। राहिला, मैं समझ सकता हूं कि तुम रामेश के मामले में बहुत ज्यादा कंसर्न हो। तुम नहीं चाहती कि वो अनीसा की फैमिली के मामलात में परेशान हो। लेकिन पहली बार मैंने एक बार नोट की है कि तुम्हें रामेश की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी जिद मनवाने की गर्ज है। आई एम सॉरी, बहुत मायूस किया तुमने आज। अनीसा, तुमने मुझे बताया नहीं कि हॉस्पिटल में मारिया पर अटेम्प्ट हुई? मुझे लगा आपको पता होगा। And why would you think that? वो वही बंदा था जिसने जवाद को मारने की कोशिश की और रामेश पे गोली चलाई। जवाद आपके लिए काम करता था ना? I have nothing to do with that man. आपको क्या लगता है उसे मारिया खाला को मार के क्या मिलता? ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वो बंदा जो मारिया खाला और जवाद दोनों को मारना चाहता है वो है कौन? उसका मोटिव क्या है? सिचुएशन बहुत खतरनाक होती जा रही है। इस मामले का पीछा छोड़ दो अनीसा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो शायद इस घर में भी सेफ नहीं हूं। जो मैंने तो डूबा 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 तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा 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 कुछ कह न पाया तेरे
मन में झांका तो खुद को ही पाया।